और इसी बीच लखनऊ और उन्नाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी का मामला सामने आया है और इसमें यूपी के लखनऊ और उन्नाव के अलावा कर्नाटक में 4 जगहों पर बम धमाके करने की धमकी दी गई थी। लखनऊ की मरियाव पुलिस के मुताबिक प्रोफेसर डॉक्टर नीलकंठ पुजारी को सोमवार को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजकर यह धमकी दी गई, जिसके बाद एफआईआर दर्ज करते हुए मरियाव पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी और यूपी पुलिस के इनपुट पर तमिलनाडु पुलिस ने राज मोहम्मद नाम के शख्स को तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले से हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। इसी बीच यूपी एटीएस की टीम भी तमिलनाडु पहुंच गई है। बड़ी खबर, आरएसएस दफ्तर को उड़ाने की धमकी का मामला है। लखनऊ और उन्नाव के संघ कार्यालय समेत 6 जगहों को उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी देने वाला तमिलनाडु के पुदुकोट्टई से गिरफ्तार हुआ है। दिनांक 5 जून 2022 को नीलकंठ मणि जी की कंप्लेन के आधार पर थाना मड़ियाओं पे एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, धारा 507 और 66 FIDR के अंतर्गत। इसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज आया था कि आरएसएस के कुछ ऑफिसेज हैं जिनको बम उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसमें से एक ऑफिस हमारे यहाँ अलीगंज सरस्वती विद्या मंदिर भी है। और इसमें यूपी एटीएस और थाना मड़ियाओं की पुलिस टीम की संयुक्त ऑपरेशन से जो जिसने भी ये मैसेज भेजा था उसकी लोकेशन तमिलनाडु में ट्रेस की गई थी और उसको तमिलनाडु से अभी उठा लिया गया है और उसका नाम है राज मोहम्मद, पुत्र मोहम्मद अंसार अली, जो कि पुदुकोट्टई तमिलनाडु के रहने वाले हैं और तमिलनाडु पुलिस की सहायता से कोऑर्डिनेट करके उनको यहाँ पे लाया जा रहा है। उन्नाव से खबर है जहां कानपुर में हुई हिंसा के बाद से लगातार आसपास के जिलों में सतर्कता बरती जा रही है। एसपी दिनेश त्रिपाठी ने आज पुलिस कर्मियों को दंगा नियंत्रण का रिहर्सल करवाया। एसपी दिनेश त्रिपाठी ने पुलिस की सतर्कता और संसाधन को लेकर पुलिस लाइन में अचानक कई थानेदारों को बुलाकर दंगा नियंत्रण करने को लेकर सतर्कता और उपकरण चेक किए और साथ साथ कुछ महिला और पुरुष पुलिस कर्मियों को दंगाई और बलवाई बनाकर उनसे पुलिस पर हमला करवाया गया और इसके बाद दंगाइयों और बलवाइयों को पुलिस ने दौड़ा लिया। वहीं उन पर रबर बुलेट गन से फायरिंग भी की गई। इसके साथ साथ पुलिस कर्मियों को पानी की बौछार से भीड़ को तितर बितर करना भी बताया गया। आपको बता दें कि कानपुर की सीमाएं उन्नाव से सटी हुई हैं, जिसके बाद कानपुर की घटना के बाद से उन्नाव में भी लगातार जगह जगह ड्यूटी लगाई गई है। वहीं बॉर्डर सीमाओं पर चौकसी बरती जा रही है। आज तलवा ड्रिल का जो है अभ्यास किया गया है, ये हमारे रूटीन की कार्रवाई है। इसमें हम अपने फोर्स को जो बलवा ड्रिल जो बलवा से बलाइयों से कैसे निपटें और इस संबंध में हम बलवा ड्रिल का अभ्यास कराते हैं। एक जो है मॉकड्रिल कराई जाती है, इसमें सारे अधिकारी, मैं स्वयं भी मौजूद था, सारे अधिकारी मौजूद रहते हैं, उनके सामने अभ्यास कराते हैं। लखनऊ में आरएसएस कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी के मामले में केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि इस तरह की घटनाओं के पीछे क्या साजिश है, क्या मंशा है। ऐसी घटनाओं के पीछे जो भी लोग हैं उनके खिलाफ जांच की जा रही है, उनको पकड़कर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इस प्रकार की घटनाएं करने के पीछे क्या साजिश है, क्या मंशा है, इसकी गहराई से जांच करके जो भी इसके दोषी होंगे उनको पकड़ करके उनके खिलाफ जो कार्रवाई कठोर से कठोर होगी वो किया जाएगा। कोई भी कार्यालय, कोई भी प्रतिष्ठान, कोई भी स्थान को जो असुरक्षित करने की मानसिकता रखते हैं, अब वो अपनी मानसिकता बदल लें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और इस प्रकार की धमकी देकर के जो प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, सरकार उनसे कड़ाई से निपटेगी भी और कानूनन जो उस लोगों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित कार्रवाई भी की। इधर संबल में पूर्व भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के पोस्टर शहर में लगाने के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पोस्टर संभल में लग जाने से पुलिस सतर्क हो गई है और उसने पोस्टर लगाने वालों पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक कानपुर की घटना को लेकर शहर में कुछ लोगों ने सांप्रदायिक माहौल खराब करने के लिए पोस्टर चस्पा किए, उनकी पहचान कर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और कासिम अली और हाफिज हिलाल रजा को गिरफ्तार कर लिया गया है और सभी पोस्टर्स को कब्जे में ले लिया गया है। आज संभल थाना क्षेत्र के कुछ स्थानों पे शहर के अंदर कुछ अवांछित टाइप के पोस्टर लगाए गए थे। जानकारी मिलने पे इसकी जांच पड़ताल की गई, यह फैक्ट सामने आया कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह के पोस्टर लगा के शहर में सनसनी पैदा करना चाहते हैं और माहौल को तनावपूर्ण करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको हिरासत में लिया गया, 2 लोग इसमें सामने अभी तक आए हैं। पुलिस अधिकारी का आपने बयान सुना, ये पोस्टर चस्पा किए गए और
दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है इसी मामले में, और पुलिस के द्वारा कहा जा रहा है कि सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने का प्रयास था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।